हाँ जी भगवान आते हैं तो भगवान भगवती बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहेंगे। ये किसने कहा कि लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहेंगे? वार्तालाप में सुना है या मुरली में सुना है? मुरली में सुना। अगली बार मुरली लाना। ये हो सकता है कि ब्रह्मा बाबा ने बोल दिया हो, क्योंकि उनकी बुद्धि में तो सत्युग के लक्ष्मी नारायण है, वो तो देवी देवताएं ही होते हैं, उनके लिए तो भगवान भगवती कहेंगे नहीं, सत्युग में भगवान होता भी नहीं। हाँ, संगम युग में बाप आते हैं तो बाप का विरोध है कि बाप आप समान बनाते हैं, और प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं, तो अकेला भगवान नहीं बनाते हैं, क्या करते हैं? भगवान के साथ भगवती भी बनाते हैं। परंतु फिर ये भी बोल दिया कि वास्तव में भगवान एक होता है, भगवान दो नहीं होते हैं या अनेक नहीं होते हैं। और हाँ जी, बाबा ने बोला कि शांति मणि जाती है पांच चिड़ियों में एक, बाबा का कहने का अर्थ क्या? शांतिमणि दादी क्या बम्बई की इंचार्ज रही थी? है? है? पता नहीं। पांच पांडवों में ज्यादा शांत रहने वाला कौन था? युधिष्ठिर था। तो शांतिमणि दादी को शांत रहने वाला बताई दिया तो क्या अर्जा किया? जैसे पांच पांडवों में एक युधिष्ठिर ही होता है शांत, बाकी तो सबको क्रोध आता है। ऐसे बाबा ने भी बोल दिया होगा। और बाबा, हाँ, रमजान को रुद्रभूमि क्यों कहते हैं? रमजान को रुद्रभूमि क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी रुद्रगण हैं, उनको कैलाश पर्वत पर दिखाया जाता है, कैलाश पर्वत पर शांति ही शांति है, वो ऊंची स्टेज की चीज है। जो भी शरीर छोड़ते हैं उनका अंतिम संस्कार शमशान घाट में जाकर किया जाता है, ताकि अंतमते सोगते इनको शांति मिल जाए। और जो रुद्रगण है उनको भी बाप यही आकर के सिखाते हैं, निराकारी स्टेज में स्थित हो जाओ, तुमको पहले पहले निराकारी धाम में जाना है। इसलिए भक्ति मार्ग में शमशान घाट को रुद्रों का स्थान बताई दिया। और
हाँ 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 सागर हाँ अगस्त का अर्थ क्या है? आ माने क्या? नहीं। और गता माने जिसका पार न पाया जाए। तो कौन सी आत्मा है जिसका पार नहीं कोई पा सकता? माने उसको पुरुषार्थ को कोई क्रॉस नहीं कर सकता। कौन है? हैं? तो एक ही होना है। और सागर को खारी ज्ञान सागर है। ज्ञान सागर खारी भी, ज्ञान सागर मीठा भी। परंतु अगस्त ऋषि ने जो सागर छोड़ दिया पीने के बाद, वो कैसा हो गया? सारा ही खारी हो गया। इसका मतलब है मनुष्य आत्माएं जो भी ज्ञान सुनाती हैं, ईश्वर का दिया हुआ, उसमें कुछ न कुछ नमक मिर्च मिलाई देती है, कुछ न कुछ मिक्सरिटी जरूर हो जाती है। हाँ, मिलाने की परसेंटेज अलग अलग हो सकती है। कोई के सुनाने में शुद्धता जास्ती है और कोई के सुनाने में बहुत कम शुद्धता है। और बाबा आदि तो अंत है, आदि में विष्णु रूप से समाता है साथ में भी है। आदि में विष्णु रूप से हाँ साथ नहीं दिए, साथ नहीं दिया। तो विष्णु बच्चे का साथ कैसे दिए? आदि में साथ नहीं दिया तो अभी साथ दे रहा है, हैं? बेसिक की याद में अगर विष्णु रूप ने साथ नहीं दिया तो एडवांस की आदि में अभी विष्णु साथ दे रहा है? नहीं दे रहा है। जो आदि में सो अंत में ठीक तो हो रहा है। और बेसिक के अंत में विष्णु देवी का पार्ट बजाने वाले ने साथ दिया या नहीं दिया? दिया। तो एडवांस के अंत में भी साथ देगी? आपको बहुत चिंता हो रही है। हाँ हाँ है। पर्सन मुलाकात में बाबा ने कहा है खास पांडव सेना के लिए कि जैसे जैसे सर्विस के साधनों के द्वारा सर्विस को बढ़ाएंगे और मैदान में प्रसिद्ध होते जाएंगे, वैसे हर प्रकार के लोग उनके हर मंत्र द्वारा आपको चैलेंज करेंगे, माइंड कंट्रोल करने का एग्जाम लेंगे। तो ऐसे चैलेंज करने के लिए तैयार हो? तो बाबा जैसे आजकल बाहर की दुनिया में जो गुनेगार होते हैं उनका नार्को टेस्ट किया जाता है मशीन लगाकर, क्या आगे जाकर ऐसा टेस्ट होगा? क्यों नहीं होगा, होना चाहिए ना। है? नहीं होना चाहिए? अरे साइंस के तौर तरीकों से भी
कौन श्रेष्ठ है कौन निष्कृष्ट है पता लगना चाहिए कि नहीं। ये ईश्वरीय ज्ञान हर प्रकार से सच्चा साबित हो जाएगा। और ना बिछड़ो का मतलब परम धाम तो ले ही जाना है, तो बिछड़ोगे तो काम चलेगा है नहीं चलेगा। और न याद आओ, तुम ही को याद करेंगे तो शिव बाबा को क्या याद करेंगे। झाड़ के चित्र में ले जाने वाला है कौन है, जो है वो ही कह रहा है ना बिछड़ो है ना याद आओ। और वाल्मीकि कहते तीन बिगाड़ा दाम बिगाड़ा है, बिगाड़ा दाम बिगाड़ा ऐसा करके दुनिया वाले कहते हैं या मुरली कहती है। तो दुनिया वाले झूठ बात कहते हैं कि सच्ची बात कहते हैं है? अरे दुनिया वालों के लिए काम बिगड़ रहा है, दुनिया का विनाश होने वाला है या बनने वाला है। इतनी बड़ी बड़ी महल माड़ियां अटारियां दुनिया भर का साज सामान दिखाई पड़ रहा है चारों ओर, तो उनके लिए काम बिगाड़ा हो रहा है या सुधारा हो रहा है। दुनिया वाले कहते हैं तो उनके लिए बात सच्ची है, तुम्हारे लिए सच्ची है या बिगाड़ा है, तुम्हारे लिए सच्ची, है तुम्हारे ज्ञान के हिसाब से सच्ची है। काम बिगड़ गया इनका, तो काम बिगड़ गया भाई। हाँ मोबाइल के अंदर जो स्क्रीन रहता है ना उसके अंदर पापा का फोटो रखेंगे तो चलता है क्या? दूसरे को अगर मोबाइल अपना हाथ दूसरे के हाथ में अपना मोबाइल जाता है तो पूछता है कि किसका मोबाइल है या फोटो किसका है, वो टाइम पे अगर परीक्षा देने का चांस मिला तो ऐसे रख सकते हैं क्या? तो शिव बाबा ने बोला है, शिव बाबा को तो फोटो खींच नहीं सकते, वो तो खींचेगा ही नहीं, वो तो असल रूप में बिंदु है। और जब बिंदु रूप में निराकार है तो फोटो खींचेगा ही नहीं। और साकार उसे कहा जाता है ब्रह्मा, क्या कहा जाता है ब्रह्मा, माना पतित या पावन है, पतित। तो फोटो खींचने वाला श्रीमत के अनुकूल फोटो खींचा या श्रीमत के बरखिलाफ फोटो खींचा? श्रीमत के बरखिलाफ फोटो खींचा तो उसका अंजाम क्या होगा? ब्रह्मा का फोटो करने रखने वाले पतित बनेंगे या पावन बनेंगे? बेसिक वालों से जाके तफ्तीश करो कि पतित बन रहे हैं या पावन बन रहे हैं, अपने दिल से बताओ। बाबा ब्रह्मा बाबा या शिव बाबा? प्रजापिता ब्रह्मा होता है, पिता होता है। तुमने जबरदस्ती बाबा लगा दिया, वो तो प्रजापिता है, उस पिता का भी पिता बाबा है। इनको आज तक यही पता नहीं चला कि बाबा हमारा कौन है। अरे तुम्हें बाबा का वर्षा लेना है, ग्रैंडफादर का वर्षा लेना है या पिता का वर्षा लेना है? ग्रैंडफादर का वर्षा लेना है। तो ग्रैंडफादर का वर्षा जब लेना है तो ग्रैंडफादर ही कहते हैं मेरा फोटो तो तुम खींच ही नहीं सकते, बाकी ब्रह्मा का खींच सकते हैं। लेकिन ब्रह्मा का फोटो अगर रखेंगे तो पतित हो जाएंगे। अरे मुंह मुंह पे हाथ रख लिया। हाँ और हाँ बोलने का वाक्य है सबकी नर्स घूमो नर्स बट वन नर्स के गले में क्रॉस पड़ा रहता है, इसका जरा क्लियर कर।
नर्स नहीं बताया, नन नर्स नहीं बोला, हम ननसी बोल रहे हैं, नन बोला, नन तुम क्यों बोल रहे हो, तुम्हारी बात कौन सुनेगा। और हैमर मारना पड़ा क्या? हैमर नहीं मालूम है? हाँ? ये मेरे पास ऐसी चीज है, मर बिना मरे नहीं बचेगा, उसको कहते हैं हैमर। और है आत्मा की ज्योति आत्मा से निकलती है, आत्मा की ज्योति आत्मा से नहीं निकलती है, आँखों से। हाँ, सूरदास की ज्योति कहाँ से निकलती है? सूरदास को स्थूल आंखें थी, जो स्थूल ज्योति निकलेगी। सूरदास को तीसरी आंख थी, दुनियावी तरीके से तीसरी आंख थी, या स्थूल आंखें थी, क्या थी? है स्थूल आंखें तो थी नहीं, तो स्थूल रोशनी भी नहीं थी। शास्त्रों की तीसरी आंख थी, और शास्त्रों का उनको ज्ञान पूरा था, तह तक था, तो वो रोशनी उनकी आंखों से निकली। उनकी आंखों ने कृष्ण को भगवान के रूप में देखा। और बाबा ने मुरली में बोला है कि ये हार जीत और सुख दुख का नाटक बना हुआ है, यहाँ पे किसी को मोक्ष नहीं मिल सकता है। मोक्ष किसको मिल नहीं सकता? मोक्ष का अर्थ दुनियावी तरीके से मोक्ष का अर्थ लगाया है कि सदाकाल के लिए मुक्ति, वो किसी को नहीं मिल सकती। जब भगवान को ही कल्प कल्प लगे प्रभु अवतारा, भगवान को ही कल्प के अंत में बार बार आना पड़ता है, तो फिर कौन सी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी? सदाकाल की मुक्ति मोक्ष किसी को नहीं मिल सकता। और बाबा ये मरने के बाद मुख में सोना क्यों रखा? क्योंकि संगम युग में जो मरते हैं जीते जी, वो सोने की दुनिया में जाते हैं, जीते जी मरेंगे तभी सोने की दुनिया में जावेंगे। इसलिए भक्ति मार्ग में यादगार के रूप में जो मरता है उसके मुंह में सोना रख देते हैं। और बाबा, हाँ जी, बोला है नहीं, तुमने नहीं बोला। हाँ बोलो। ये माता जी पूछ रहे हैं अंगारी का संकष्टि क्या होता है? है? अंगारी का संकष्टि क्या होता है? ये कौन होता है? अंगारिका चतुर्थी करके आती है, हमारे उपवास का दिन मनाते हैं। चतुर्थी गणेश चतुर्थी। हाँ, गणेश चतुर्थी होती है, मंगलवार की गणेश चतुर्थी। हाँ, अंगारिका के अंगारिका चतुर्थी। हाँ, गणेश चतुर्थी। तो गणेश किसका पार्ट है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ने चौथ खाई कि नहीं खाई? है, चौथ खाई। चौथ किसे कहा जाता है? है, बीच में जो दलाली खाई जाती है उसको चौथ कहते हैं। दुनियावी हिसाब से
अच्छा धंधा माना जाता है धार्मिक हिसाब से, धर्म प्राण मनुष्य इसको अच्छा धंधा मानते हैं या खराब धंधा मानते हैं? खराब धंधा है। तो ब्रह्मा बाबा ने कैसा धंधा किया? खराब धंधा किया। क्या? बीच में चौथ खाई। तो चौथ नहीं खाई, जैसे आग का अंगारा खाया, वो भुगतना पड़ेगा। असूक्ष्म शरीर में भुगत रहे, और बाबा सोने पे सुहागा क्यों बोलते हैं? सोने में जब सुहागा डाला जाता है तो एकदम चमक जाता है। मकान की जब फिनिशिंग करते हैं तो कैसा लकालक हो जाता है। ऐसे ही उसको चमकाने के लिए सुहागा डालते हैं। सो माने क्या? सुंदर। और भागा माने क्या? भाग्यवान। सुंदर भाग्य वाला बन जाता है। और बाबा एक वाणी में प्रश्न किया था बाबा ने कि ब्रह्मा ने कितने ब्राह्मण पैदा किए, लेकिन उसका उत्तर नहीं बताया उसने। कौन से ब्रह्मा की बात कर रहे? अरे बताओ तो। इन्होंने ब्राह्मणों की रचना की। आहा, कौन से ब्रह्मा की? क्लियर बताओ। जिन्होंने उन्हें किया तो ब्रह्मा कितने पता नहीं? नहीं, ब्रह्मा तो जैसे प्रजापिता ब्रह्मा की बात आई है। प्रजापिता ब्रह्मा की बात है और एक दादा लेखराज ब्रह्मा की बात आई। आप कौन से की पूछ रहे? नहीं बताया है ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों की रचना होती है। हाँ? और मैं ब्राह्मणों को देवता बनाता हूँ। हाँ? तो ये बात कहाँ से मतलब ये हुई? मैं जो कहता है वो कहने वाला साकार कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा वो अपनी बात तो नहीं कर रहा है, तो किसकी बात हो रही है? दादा लेखराज ब्रह्मा। दादा लेखराज ब्रह्मा की बात हो रही है। दादा लेखराज ब्रह्मा चंद्रमा का पाठ बजाते हैं या नहीं बजाते हैं? चंद्रमा का पाठ बजाते हैं, क्यों? चंद्रमा से पैदा होने वाले, चंद्रमा को फॉलो करने वाले चंद्रवंशी कितने होते हैं तुम्हें नहीं मालूम? मालूम नहीं है? बाबा देवता बताया है 33 करोड़। सारे 33 करोड़ को बाबा ने देवता बनाया होगा ना? कौन से बाबा ने देवता बनाया होगा? शिव बाबा ने। शिव बाबा ने 33 करोड़ को देवता बनाया होगा। इन्होंने ब्रह्मा बाबा ने जिन्होंने ब्राह्मण बनाया। हाँ? उन्हीं ब्राह्मणों को देवता बनाया होगा। उनको भी देवता बनाया? 33 करोड़ को भी देवता बनाया। और दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा जिनको ब्राह्मण बनाया उनको भी देवता बनाया? 4.5 लाख जो है जो चंद्रवंशी ब्राह्मण है। हाँ? वो भी देवता बनते हैं। बनते हैं? और जो 4.5 लाख सूर्यवंशी ब्राह्मण है। हाँ? वो भी देवता देवता बनते हैं। बनते हैं? तो 33 करोड़ देवताओं की जो बात आई है। हाँ? वो ब्राह्मण कब और किसने बनाए? अरे वो भी अभी ही बनते हैं। ब्रह्मा एक थोड़े ही है, ब्रह्मा कितने हैं? 5 ब्रह्मा हैं। उनमें एक तो ब्रह्मा की पदवी धारण नहीं करता है, वो पदवी छूट जाती है। सर अलग हो गया और धड़ अलग हो गया, आत्मा अलग हो गई, देहभान अलग हो गया, वो तो महादेव बन जाता है। ये महादेव का टाइटल संगम का है या सतयुग का है? ये तो संगम का टाइटल है।
बाकी चार ब्रह्मा रहे तो चारों ही ब्रह्मा नंबरवार हैं कि एक ही जैसे हैं? नंबरवार है। तो जो देवता धर्म की आत्माएं हैं वो दो ही युगों में नीचे आती हैं या चारों युगों में नीचे आती है? चारों युगों में नीचे आती हैं। तो निमित्त अपने अपने होंगे या नहीं होंगे? है होंगे तो उन्हें जो है 33 करोड़ की लिस्ट में आते हैं बाबा। हाँ? उन्हें पूरे ब्राह्मण नहीं कहेंगे। अरे वो अधूरे ब्राह्मण है तब तो अधूरे युग में आते हैं। पूरे ब्राह्मण जो सतयुग और त्रेता में आते हैं। सतयुग त्रेता में भी पूरे ब्राह्मण नहीं आते। पूरा ब्राह्मण सो पूरा देवता। संगम युग वाले ब्राह्मण पूरा देवता माने 84 जन्म लेने वाला। जो 84 जन्म लेने वाले हैं वो संगम में और सतयुग के आदि में आते हैं। 9 लाख तक ही जाएंगे। हाँ जी। और बाबा प्रजा पिता के लिए मुरली ने बोला है इस पृथ्वी पर कोई चीज ना जो तेरे ऊपर लागू ना हो, तो प्रजा पिता को बाबा ने रूप बोला हुआ है तो बाप की याद में रूप बिखर जाएगा, इसलिए भारतीय जो करेंसी है उसका नाम भी रुपये हो गया मतलब रुपये हो गया ना, भारत की करेंसी का नाम है रुपया। हाँ। प्रजा पिता की यादगार हो गई ना। हाँ, रूप आ गया ना। भारतवासियों के लिए रूप जरूरी है और जो विदेशी है उनके लिए रूप जरूरी नहीं है। और बाबा दिलवाड़ा मंदिर तुम बच्चों की यादगार है बताया बाबा ने। हाँ? मंदिर में जो मूर्ति है उन मूर्तियों को मोहम्मद किड़की जो राजा था उन्होंने सब मूर्तियों के नाक तोड़ी है। हाँ? ये संगम में इसका शूटिंग पीरियड कैसा होगा? माया तुम्हारी नाक नहीं पकड़ती है तब पकड़ के तोड़ेगी नहीं, काहे के लिए पकड़ती है? हाँ? नाक इसीलिए पकड़ती है टूट जाए। हाँ? फाइनल पेपर होगा तो नाक तोड़ेगी या छोड़ देगी? हाँ? अभी तो बड़े फकुर से कहते हैं हमारा बाप आया हुआ है। और मुरली ने बोला है सबसे अच्छा पुरुषार्थ नारायण को याद करो। हाँ? नारायण का फोटो किस तरह से? हाँ? नारायण का फोटो खींच सकते मिल सकता है खींच सकते हैं? कहाँ है नारायण हमें दिखा दे तो हम गले में लटक जाए। नारायण को हमें दिखा दो, तुम तो फोटो खींचना शुरू कर दिया। फोटो तो हमें दिखा दो कोई खींचने से पहले। हाँ? फिर हम याद भी करेंगे। क्यों चुप हो गए? 76 में डिक्लेयर कर दिया। हैं? 76 में डिक्लेयर ही कर दिया बाबा ने। डिक्लेयर कर दिया? हाँ, नारायण जी ने। हाँ तो तुम्हें जो डिक्लेयर हो गया वो हमें तो दिखा दो। तुम्हारी आंखों में बसा है ना? तुम्हारी आंखों में बसा है तो तुम अपने कैमरे में भी बसा लो, फिर खींचने की क्या दरकार? और जैसे बाबा ने बोला मुरली कि त्राय को कृष्ण की रास मिलती है, इस तरह जो संगम की लक्ष्मी नारायण है उनकी भी रास मिलती है ना। जैसे रंजन बेन है बाबा के पास गए तो बाबा ने उनका नाम चेंज कर दिया, आज से मैं वेदांत जी हूँ। जैसे जो रंजन बेन है वेदांती बेन बाबा के सामने गए तो बाबा ने उनका नाम चेंज कर दिया, वेदांती हो गए। प्रजापिता के लिए बोला ना कि अभी वीर है पूरा मानव पिछाड़ी में होंगे, दोनों की भी राशि तो मिलती है ना बाबा। हाँ तो राशि मिलने की बात है। हाँ, राशि मिलती है। हाँ तो हम राशि की बात है, जैसे क्राइ तो कृष्ण की राशि मिलती है उनकी भी राशि मिलती है ना। हाँ, लेकिन वो क्राइस्ट के साथ जो राशि मिलाई है उससे तो बात बिगड़ जाती है।
बात बिगड़ती है या सुधरती है? वो तो बात ही बिगड़ गई। माउंट आबू में जो देवता की पूजा होती है उसका नाम क्या है? वीर बाबा। वीर बाबा कहते हैं तो जरूर शास्त्रों में उसे वीरणी भी कहा गया है। और वैसा वहाँ पे कोई वीर बाबा हुआ नहीं है। हुआ नहीं सुनो, वो लोग कहानी ऐसा बताते वहाँ के लोकल लोग, पूछा उनके बारे में तो लोग ये कहते कि कोई एक्सीडेंट होकर सडनली मृत्यु हो जाते जिसके राह में है, तो वो रास्ते में जाते समय कुछ एक्सीडेंट से या कुछ पहाड़ से गिर गया या कुछ हो गया तो वो वहाँ पे मर जाते हैं अचानक, उसकी यादगार में वहाँ पे वीर बाबा का मंदिर स्थापन कर देते। वहाँ का एक प्रथा है माने गिर जाने वालों की याद में, माने वीर बाबा गिराता है। अरे संभल के रहना, बच के रहना भाई, बच के रहना। वो भी मुरली भाई कहता है। और बाबा लक्ष्मी नारायण के क्षेत्र में लक्ष्मी को अंगूठी भी अंगूठी पहने हुए दिखाते हैं। लक्ष्मी को अंगूठी पहने हुए हाथ में दिखाते हैं। हाँ, नारायण को नहीं दिखाए। नारायण को नहीं दिखाए? नारायण को अंगूठी है ही नहीं तो दिखाएंगे कहाँ से? जिसको अंगूठी होगी उसको अपना याद रहेगा है? जिसको होगी नहीं उसको याद कहाँ से आएगा? बाबा जो शिव बाबा का जो बाल बंधा है वो कब खुलेगा? बाल जो है उसको जटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जटा। गंगा का नाम बाल शंकरी नहीं है। क्या नाम है गंगा का? जटा शंकरी। जब गंगा निकलती है तो जटाएं उलझी हुई नहीं रहती हैं। जो बार बार प्रश्न पूछने की दरकार पड़े, अभी क्या है, अभी बार बार प्रश्न पूछने की दरकार पड़ रही है, फिर भी ज्ञान क्लियर होता ही नहीं। बाल में से खाल, खाल में से बाल निकलती चली जा रही। जब जटा निकलेगी माने जटा जब सुलझेगी तो तब ही सुलझेगी जब गंगा निकलती है। तो फिर जूड़ा बंधा हुआ होने की जरूरत है या जटाएं खुल जावेंगी? जटाएं खुल जाएंगी। और बाबा मुरली में बोला है कि पूरे 100% मार्क एक बात का ही कहेंगे है? तो बाबा जो भक्ति मार्ग में नाम है आत्माराम एक नाम है, बाकी आत्मा कृष्ण नाम नहीं, आत्माराम ऐसा कोई नाम नहीं। 100% आत्मा एक राम वाली आत्मा यही होगा। उसी के लिए तो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। मनुष्यों ने हम भी तो आत्मा है, सभी मनुष्य आत्माओं ने क्या समझ लिया? हम भी तो आत्मा है, तो आत्मा सो परमात्मा हो गई, गलत फहमी हो गई। परम माना क्या? बेस्ट तभी कहा जाएगा जब उसके मुकाबले में ढेर सारे दूसरे रखे हुए हों। बेस्ट कब कहेंगे? जब तुलना करने के लिए ढेर के ढेर रखे हुए हों, उनकी तुलना में
ये बेस्ट है, तब कहेंगे परम। फिर शब्द आता है आत्मा, तो वो सदैव ही परम है या कभी है कभी नहीं है? सदैव ही परम है। कलयुग के अंत में परम है, है? अरे एक बार बोल के बंद कर दिया, है या नहीं है? है। कैसे? ब्राह्मण चोटी का मतलब होता है, सबसे ऊंचे होता है। ब्राह्मण चोटी को उठाता हूँ, चोटी तो सबसे ऊंची होती है। जिसको उठाता हूँ वो भक्ति मार्ग की दलदल में ज्यादा फंस जाता है, उसको उठाता हूँ। भक्ति मार्ग की दलदल में ब्रह्मा ज्यादा फंसता है, जगदम्बा ज्यादा फंसती है कि बाप फंसता है? कौन फंसता है ज्यादा? तो चोटी पकड़ के उठाता हूँ। तुम हो ब्राह्मण चोटी, मुरली में बोला है, तुम्हारी जटाएं हैं ना, तो किसकी तरफ इशारा किया? प्रजापिता की तरफ। प्रजापिता को क्या बाल होते हैं, जटाएं होती हैं? नहीं। और बाबा ने बोला है कि अशरीर बनने का अभ्यास करोगे तो जैसे आगे चल करके जैसे नींद लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा आगे चल करके, उस तरह अव्यक्त बनने की प्रैक्टिस करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा? बात तो एक ही है, अव्यक्त होते हैं परम धाम में, अव्यक्त होते हैं आत्मा स्वर्ग में, क्योंकि बिंदी ही याद रहती है। संगम युग में मनन चिंतन मंथन में जब मस्त होते हैं तो साकार देह की याद नहीं रहती, तो भी अव्यक्त स्टेज है। तो अव्यक्त बनना ही तो अच्छी बात है, बाकी देह और देह के पांच तत्व और ये पांच तत्वों की दुनिया तो दिखाई पड़ती है। जो कुछ इन आंखों से दिखाई पड़ता है वो सब है व्यक्त है, और जो आंखों से नहीं दिखाई पड़ता वो है व्यक्त। और बाबा गीता पाठशाला मेरी क्लास खत्म होने के बाद मुरली के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं उसमें क्या ऊर्जा संगत करना है? मुरली के पॉइंट जो होते हैं इसके ऊपर ऊर्जा संगत करना चाहिए या नहीं? मुरली के पॉइंट को रिवाइज करना तो अच्छी बात है, लेकिन एक एक पॉइंट का अपने अपने तरीके से क्लेरिफिकेशन देना, उसको वेरीफाई कौन करेगा? पॉइंट बताना चाहिए कि नहीं? पॉइंट बताओ, बाबा ने ये बोला, बाबा ने ये बोला, बाबा ने ये बोला, वो तो अच्छी बात है। बाकी उसके अंदर जो गुह्यार्थ भरा हुआ है वो गुह्यार्थ को अपने अंदर विस्तार में लाना तो अच्छी बात है, लेकिन उसको वेरीफाई कराना भी जरूरी है, राइट है या रंग है। मतलब यह है कि गीता पाठशाला में या संगठन क्लास में अपने अपने तरीके से वार्तालाप करना और अपनी अपनी बातें सुनाना वो ठीक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जाए हमारी सुनाई हुई बात गलत हो और सुन करके दूसरों का अकल्याण हो जाए।
और पॉइंट भी, पॉइंट पर भी ये नजर रखनी है कि ज्यों का त्यों पॉइंट सुनाते हैं या उसका रूप परिवर्तित करके पॉइंट सुना देते हैं। और बाबा ने मुरली में घोड़े के बारे में बताया कि अश्व में यज्ञ में भी घोड़ा आ गया है। अश्व में भी बाबा ने घोड़े का बहुत जिक्र किया मुरली में। हाँ, यज्ञ में भी घोड़ा आ गया। हाँ, अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ का भी घोड़ा बोला हुआ है। हाँ जी, बाबा जो बाहर की दुनिया में जो एनर्जी मापते हैं वो भी हॉर्स पावर में मापते हैं। हाँ जी, बाबा ने यहाँ पे जो घोड़े को पिस्टन मार्क बताया है, घोड़े को पिस्टन मार्क वाला बताया है और महारथी को फुल स्टॉप वाला बताया है। घोड़ा गड्ढे में भी ले जाता है, घोड़ा पहाड़ पर भी चढ़ सकता है। तो लगाम होना जरूरी है या नहीं है? है? लगाम होना जरूरी है। ये मनरूपी घोड़ा मनुष्यों को होता है या देवताओं को होता है? मनुष्यों को होता है। मनुष्य सब पतित होते हैं, चलायमान मन होता है, इसलिए घोड़े को क्वेश्चन मार्क दिखाया है। कौन से देवता को घोड़ा मिलता है सागर मंथन में? सागर मंथन होता है तो कौन से देवता को घोड़ा दिया गया है? अरे अरे, सागर मंथन देखा ही नहीं? अरे सागर मंथन कथा टीवी में अभी तक किसी ने देखी ही नहीं। देखी है तो उसमें घोड़ा निकलता है कि नहीं? वो घोड़ा कौन से देवता को दिया गया? अरे कृष्ण के हाथ में नहीं दिया गया, देवासुर संग्राम में कृष्ण कहाँ से है? अरे इंद्र को दिया गया, इंद्र जो डरपोक है। तो इंद्र का पार्ट क्या है? सबसे ज्यादा मन किसका चलता है? सबसे ज्यादा निश्चय अनिश्चय किसको आता है? वो इंद्र, वो घोड़ा। बाबा इंद्र की सवारी तो हाथी पे बताई ना है? हाथी भी बताई नहीं, इंद्र की सवारी हाथी, रावत हाथी है ना बाबा? दोनों है, महारथी भी उसके पास है। और बाबा इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया, ये दोनों की यात्रा कौन सा महत्वपूर्ण है? महारानी जब विक्टोरिया आई तो किधर से आई? हवाई जहाज से आई या पानी के जहाज से आई? तो पानी का जहाज कहाँ आता है पहले? बॉम्बे में आता है। तो बॉम्बे में पहले इंडिया गेट और दिल्ली में गेटवे ऑफ इंडिया। दिल्ली में बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट। वहाँ दिल्ली में, दिल्ली में कश्मीरी गेट दिया है। हाँ, कश्मीर, कश्मीर से बना कश्मीरी गेट। इंडिया का कौन सा स्थान है जिसके लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान
मुसलमानों हिंदुओं में ज्यादा लड़ाई चलती है, कश्मीर उसी की यादगार है, कश्मीरी गेट। और शंकर के जटाओं को बंधा हुआ क्यों दिखाते हैं और है? शंकर के बालों को बंधा हुआ क्यों दिखाते हैं और बाकी देवताओं के बालों को बंधा हुआ क्यों दिखाते? शंकर की आत्मा जब सत्युग त्रेता से नीचे गिरती है तो ज्यादा शास्त्रों का रचना वो करती है कि कोई दूसरी आत्मा करती है? है वो ही आत्मा ज्यादा शास्त्र बनाती है। तो जटाएं भी शंकर को दिखाई जाती हैं। जटाएं जब बहुत बड़ी हो जाती हैं तो फिर उनको बांधना भी पड़ता है। और भक्ति नहीं उठाते तो ज्ञान भी नहीं उठाते हैं? भक्ति नहीं उठाते तो ज्ञान भी नहीं उठाते। हाँ, भक्ति मार्ग में भक्ति होती है तो ज्ञान उठाते हैं। भक्ति मार्ग में 2500 साल 63 जन्मों में भक्ति चलती है तो ज्ञान उठाते हैं क्या? हाँ, ये कहें जब भक्ति परिपक्व स्टेज को पहुंचती है तब ज्ञान भी मिलता है। भक्ति पूरी नहीं होगी तो ज्ञान भी नहीं मिलेगा। और बाबा ने बोला है कि यू आर अननोन बट वेरी वेल नोन वॉरियर। हाँ, बच्चों को बोला है अननोन बट वेरी वेल नोन वॉरियर। हाँ, रोहनी बेटे क्या काम करेगी? यही काम करेगी जो अभी तक गुप्त है, दुनिया वाले इनको नहीं जानते हैं, ये अंडरग्राउंड है। दुनिया वाले जानते हैं क्या? नहीं जानते। जब विनाश होगा तो ये मिलिट्री बाहर निकल पड़ेगी, सारी दुनिया में छा जाएगी, सारी दुनिया पहचान लेगी कि अभी तक ये अननोन थे, अब वेरी वेल नोन हो गए। सारी दुनिया के आंखों में चमक मारेंगे। और ओम शांति।